मैं जब 10 साल का था तो मैंने 9 o'clock न्यूज पे सुना कि पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मैं फिर 20 साल का हुआ, मैंने फिर 9 o'clock न्यूज पे सुना कि पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। बस नहीं होता, तू है एक आम आदमी, अरे बस अब नहीं होता। तो क्या करूं, हिम्मत हार दूं? नहीं, लगा रहे लगा रहे लगा रहे तू लगा रहे खड़ा रहे खड़ा रहे तू खड़ा रहे पड़ा रहे पड़ा रहे तू पड़ा रहे लगा रहे लगा रहे तू लगा रहे पड़ा रहे पड़ा रहे तू पड़ा रहे पड़ा रहे पड़ा रहे तू पड़ा रहे। बुजुर्गों ने मुझसे पूछा मुल्क कैसे ये चलेगा, बुजुर्गों को मैं ये बोला लग रहो लग रहो। बुजुर्गों ने मुझसे पूछा मुल्क कैसे ये चलेगा, बुजुर्गों को मैं ये बोला। मुझे फिक्र ये नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये कि ऐसे ही ना चलता रहे। यार मुल्क में बड़ी टेंशन हो गई है। कोई नहीं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। कुछ ना कर तू, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे, बस अल्लाह ही तेरा हाफिज है। बन गया तस्से मस नहीं होता, तू है एक आम आदमी, अरे बस अब तो दुख होता है यार। कोई नहीं, अभी भी बड़े नेक लोग बाकी हैं इस दुनिया में। बुजुर्गों ने मुझसे पूछा नेक कौन है ये तो बता, बुजुर्गों को मैं ये बोला नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। लगा रे तू लगा रे तू खड़ा रे पड़ा रे तू पड़ा रे लगा रे तू लगा रे खड़ा रे तू। सारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बहाल है। से जमीन निकल जाएगी और फिर वो तुझे कहेंगे कहेंगे तू उड़ रहा है हवाओं में, तू उड़ रहा है हवाओं में। तो क्या हम सचमुच हवाओं में उड़ेंगे हैं? तू नहीं समझेगा मैं। लगा रे तू लगा रे खड़ा रे खड़ा रे तू खड़ा रे पड़ा रे तू पड़ा रे लगा रे तू लगा रे खड़ा रे खड़ा रे तू खड़ा रे पड़ा रे पड़ा रे तू पड़ा रे। इस लड़के की शक्ल शहजाद रॉय से कितनी मिल रही थी। सर मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया है। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं।